हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विद्यापीठ आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ़ एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्री का ये हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बेसिक ऑफ़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किया था फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था मल्टीपल एंगल्स में साइंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उन सब के उसी के रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज है तो मैं होप करता हूँ कि आपने पहले ये सोल्यूशन खुद से सॉल्व कर लिया हो बिफोर वॉचिंग दिस सोल्यूशन और सिर्फ इस वीडियो पे आए हो रेफरेंस के लिए तो अगर आपने सोल्यूशन नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सोल्यूशन को ख़ुद से ट्राई कर लो तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ़ अदर फाइव टेक्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन तो इनमें क्या होगा अगले पांच क्वेश्चन में हमें एक टिकनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी और बाकियों की बतानी होगी बाकी पांच जो हैं तो इसमें हम ना बेसिक लगना है इसके पहले हम बता देते हैं डायग्राम वापस रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ठीक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ऑल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में सिर्फ साइन होता है यहाँ टेन यहाँ कॉस राइट तो अब हमें दिया हुआ है कि एक्स जो है थर्ड में है तो थर्ड में देखो कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है अब हमें यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव आएगा बाकी साइन अपना टेन पॉजिटिव होगा साइन नेगेटिव होगा कॉसैक् नेगेटिव होगा सेक नेगेटिव होगा है ना ऐसे ही सारे उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो करते हैं अब देखो हम इसे ट्रायंगल से कर सकते हैं या फिर बेसिक भी कर सकते हैं ट्रायंगल से करते हैं इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रायंगल कभी कभी ये अगर एक्स है तो कॉस एक्स हमें दिया हुआ है माइनस वन बाई टू अभी एक बार को हम माइनस को इग्नोर करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस तो अब हमें ये चीज पता करनी है ये पी से पी ले लेते हैं तो पी प्लस वन क्या होगा फोर तो पी स्क्त तो 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 राइट तो ये आ गया पी की वैल्यू रूट थ्री तो बस अब हमें सब निकाल सकते हैं सबसे पहले साइन निकालते हैं साइन क्या होगा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा परपेंडिकुलर तो टू ठीक है माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है टेन एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा सबसे पहले थर्ड थर्ड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है टेन एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो रूट थ्री ऐसे ही साइन कॉस टेन कोसैक्स निकाल लेते हैं कोशेक एक्स नेगेटिव होगा साइन का उल्टा कर देंगे या फिर सिंपल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या होगा माइनस टू बाई रूट थ्री ऐसे ही कोसैक हो गया सेक एक्स सेक एक्स क्या होगा सीधे कॉस एक्स का उल्टा माइनस टू

p क्या होगा p स्क्वायर बेस सॉरी बेस क्या होगा p पी स्क्वाजल टू h का स्क्वायर तो पी क्या है यहाँ से b, तो b कितना आ रहा है फोर ठीक है तो अब सिंपल है साइन हमको दिया है cos x निकालना है cos x क्या होगा बेस अपॉन हाईपोर्टीनियस फोर अपॉन फाइव अगर x अगर लाया करता है सेकेंड क्वार्टन में तो cos क्या होगा नेगेटिव ठीक है ऐसे ही साइन कॉस टेन टेन एक्स क्या होगा फिर से नेगेटिव

ये रहा x कॉट x क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर राइट तो अब वापस साइन करते हैं साइन x क्या होगा ये फाइव बनेगा थ्री फोर फाइव का ट्राइंगल है तो साइन x बनेगा फोर बाय फाइव थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है कॉस x कॉस x क्या बनेगा फिर से नेगेटिव होगा सेटिन्यूअस माइनस थ्री बाय फाइव साइन कॉस टेन टेन एक्स क्या बनेगा कॉट का अपोजिट पॉजिटिव होगा

ये क्या होगा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव थर्टीन वाला ट्राइंगल है तो साइन एक्स फोर्थ क्वारंट में नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन कॉस एक्स पॉजिटिव होगा और क्या होगा सेक का अपोजिट फाइव बाई थर्टीन या यहाँ से बेस अपॉन पर्टीन भी कर सकते हैं टेन एक्स क्या होगा अपना ट्वेल्व बाय फाइव पर पेंडिकुलर बेस कोसैक एक्स क्या होगा

अब sin x क्या होगा ट्राइंगल बनाते हैं फाइव ट्वेल्व थर्टीन का है सिंपल तो साइन एक्स क्या होगा फाइव अपॉन थर्टीन सेकेंड क्वार पॉजिटिव होगा साइन कॉस एक्स नेगेटिव होगा ट्वेल्व अपॉन थर्टीन कॉस टेन हो गया थर्टीन बाय फाइव सेक एक्स सेक एक्स कैसे होगा कॉस का उल्टा नेगेटिव ही होगा माइनस थर्टीन बाय ट्वेल्व

देखो जब भी थ्री सिक्सटी के ऊपर जाए तो सबसे पहले थ्री सिक्सटी के मल्टीपल्स पे चले जाना ठीक है तो उनसे जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ऑफ जो कि होता है राइट right? तो ये क्या बना ये देखो सिंपल है पाई बाई टू का इवन मल्टीपल ही होगा पक्की बात है नाइनटी का ठीक है तो फोर इंटू टू एट टाइम्स होगा ना ठीक है तो इवन मल्टीपल है तो अब साइन ऑफ थ्री सिक्सटी इंटू टू प्लस फोर्टी फाइव तो देखो सबसे पहली बात तो कि अपना ऑड मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा ठीक है अब क्वाड्रेंट देखते हैं थ्री सिक्सटी इंटू सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू सेवन ट्वेंटी कहाँ पर लाई करते हैं इसमें देखते हैं हम यहाँ पे थे एक बार थ्री सिक्सटी का चक्कर काट लिया दूसरी बार थ्री सिक्सटी का चक्कर काटा फिर कह रहा है प्लस फोर्टी फाइव तो हम इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ठीक है थीके? तो बस ठीक है अब बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सभी पॉजिटिव होते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा थीटा कितना है फोर्टी फाइव प्लस ऑफ साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव क्या होता है टेबल में पता है हमको टेबल याद रखना थोड़ा अब तो इलेवंथ में आ गए तो छूट नहीं है तुम्हारे पास तो साइन फोर्टी फाइव कितना है प्लस ऑफ साइन वन बाई रूट नेक्स्ट क्वेश्चन कोसैक ऑफ माइनस वन फोर वन जीरो सबसे पहले हम इसका वो कर लेंगे कोसैक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ कोसैक थीटा ठीक है तो हम इसे लिखेंगे माइनस ऑफ अब वन फोर वन जीरो को कैसे लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी इंटू फोर ये क्या बनेगा फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर वन फोर फोर जीरो माइनस थर्टी ठीक है तो इसे कैसे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ माइनस कोसेक थ्री सिक्सटी इंटू फोर माइनस थर्टी राइट ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइ करेगा उसे देख लेते हैं थ्री सिक्सटी एक दो तीन चार वापस यहीं आ गए माइनस थर्टी यहाँ से हम थर्टी नीचे आए कहाँ पे लाई करा फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट right? तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक का साइन क्या होगा नेगेटिव और ये अगर इवन में ऑड मल्टीपल ईन मल्टीपल है इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा माइनस ऑफ अब हम ये माइनस ऊपर वाला था यहाँ से जो आया था ठीक है माइनस इसके वाला बाहर आ गया था ना यहाँ से ये तो अब अंदर कोशैक को जब चेंज कर रहे हैं मतलब बेसिकली ये लगा रहे हैं तो ये नेगेटिव उसका आएगा क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में चेंज आ रहा है तो फोर्थ क्वार्टर में कोसेक क्या होता है नेगेटिव ठीक है तो अब ईवन मल्टीपल था तो यहाँ पे कोसेक ही रहेगा और क्या आंसर अंदर आएगा थर्टी ठीक है तो बेसिकली बन गया है प्लस ऑफ कोसेक थर्टी जो कि होता है टू साइन थर्टी का अपोजिट राइट यहाँ से आंसर आ गया कोसेक ऑफ माइनस वन फोर वन जीरो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं हमने बताया था सबसे पहले में क्या में तो मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा ये लाए कहाते तीन चार पाँच छ या फिर सीधे हम इसे टू पाइंटू थ्री कर सकते थे तो बेसिकली यहीं पे आएगा ठीक है प्लस पाव आई थ्री तो फर्स्ट वन में सब पॉजिटिव होगा

माइनस थीटा है ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन माइनस इलेवन फाइव बाई थ्री ठीक है अब इसे वापस इसे सॉरी ये हटाएगा तो अब वापस इसे हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में माइनस साइन थ्री पाए प्लस टू पाए बाई थ्री राइट तो थ्री पाए क्या होगा कहाँ पे लाई करेगा देखते हैं एक दो तीन प्लस टू पाई बाई थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होगा नेगेटिव क्या चेंज आएगा नहीं आएगा माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ साइन एक माइनस और आएगा क्योंकि तो हमने वो जो तो चेंज लाएंगे ठीक है ये याद रखना माइनस है अगर तो थ्री आ, टू पाई बाई ठीक है तो ये क्या बना प्लस ऑफ साइन टू पाई बाई अब टू पाई बाई क्या होता है वन इसे कैसे करेंगे वापस

ट ऑफ माइनस फिफ्टीन पाए थ्री तो कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है कॉट ऑफ थीटा ठीक है तो इसे बेसिकली हम वापस ही लिख सकते हैं बेसिकली कुछ नहीं है of 15 4 ही है राइट right? तो इसे अब हम कैसे करेंगे चलो इसका अलग करते हैं एक बार अभी हम लिखेंगे कॉट ऑफ इसे हम कह सकते हैं फोर पाए माइनस पाए बाय फोर है ना ठीक है तो बेसिकली इसको हम उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं

वीडियो में कर लिए थे उसी के साथ साथ क्या थे इजी थे ये एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज का थ्री पॉइंट टू का सोल्यूशन ये पे फिनिश होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना तब तक के लिए बाय